गाइज, अगर आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में ही आपको मेंशन किया था दैट करीब 9,055 इनविटेशंस आर पेंडिंग फॉर अ जनरल ड्रॉ जिसमें सीसी इंक्लूडेड है फॉर दिस ईयर 2024। और उस वीडियो को पोस्ट करने से पहले ही एक सीसी का ड्रॉ निकल गया था जिसमें 6,300 इनविटेशंस दिए गए थे। और अभी करीब 31 जुलाई को एक और सीसी का ड्रॉ निकला जिसमें 5,000 इनविटेशंस दिए गए। Now guys, don't get me wrong here. I am extremely happy that इतने सारे invitations निकल रहे हैं. I think if I'm not wrong, July में ही करीब 25,000 plus invitations गए हैं. But the question arises is, general draw में इतने ज़्यादा PR के quotas है ही नहीं है. तो invitations कहाँ से निकल रहे हैं? बैक टू बैक दो सीसी के ड्रॉज निकल गए हैं जुलाई में ही, विच आर प्रीटी बिग, एक 6,300 इनविटेशंस के साथ और दूसरा 5,000 इनविटेशंस के साथ। और जो लोएस्ट सीआरएस स्कोर गया है वो है 510। इतने इनविटेशंस निकलने के बाद भी, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जुलाई में 25,000 टोटल इनविटेशंस निकलने के बाद भी एक्सप्रेस एंट्री के पूल के ऊपर नजर मारना बहुत ही जरूरी है। अब अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल की तरफ देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, करीब 12,455 कैंडिडेट्स आर स्टिल रिमेनिंग बिटवीन 500 टू 600 सीआरएस स्कोर। लेकिन ये जो 5,000 इनविटेशंस गए हैं जुलाई 31 में, इसके बाद ये नंबर ड्रॉप होके 7,455 इनविटेशंस रह गया है। बट जिस तरह ये कैंडिडेट्स का पूल बढ़ रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले दो हफ्ते में करीब 2,500 न्यू कैंडिडेट्स will be added between CRS score of 500 and 600 और उसके हिसाब से नंबर पहुंच जाएगा करीब 10,000 के आसपास। अब एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि majority of these candidates, ये जो 10,000 numbers की हम बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर CEC candidates हैं जिनका Canada में already experience है। हाँ, इनमें कुछ ऐसे भी candidates हो सकते हैं जिन्होंने LMIA को obtain किया है, but the numbers I'm sure are not that high. अब 500 या उससे ज़्यादा स्कोर पाना, स्पेशली फॉर पीपल हु आर इन कैनेडा, इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपके पास मास्टर्स है, आपने CLB 9 लिया है आइल्स में या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट में, और उसके अलावा अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली 515 टू 520 CRS स्कोर के ब्रैकेट में आ जाते हैं। बट हैराने की बात यह है कि इवन आफ्टर दीज बिग इन्विटेशंस 5,000, 6,300, जो CRS स्कोर है वो 500 के नीचे नहीं जा रहा है। देखिए, इससे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जो कनाडा की ड्रीम है लोगों की, कनाडा में एज अ परमानेंट रेजिडेंट बनना और उसके बाद सिटीजन बनना, वो फेड आउट नहीं हुई है बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर एंटरिंग दिस पूल। तो गाइस, बेयर विद मी, बट अभी जो मैं आपको नंबर्स दिखाने लगा हूँ और उसके साथ जो कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये PR के कोटास इतने कहाँ से आ रहे हैं, IRCC कैसे इतने बड़े नंबर्स ला रहा है, कहाँ से गेम प्ले की जा रही है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे टोटल कैटेगरी बेस्ड इमिग्रेशन टारगेट्स हैं उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। फ्रेंच कैटेगरी के लिए है करीब 30%, हमारे स्टेम प्रोफेशंस के लिए है 25%, हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए है 15%, ट्रेड ऑक्यूपेशंस के लिए 5%, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस के लिए 3%, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस के लिए करीब 0.5%, और रिमेनिंग अराउंड 21.5% इज मेंट फॉर जनरल ड्रॉ जिसमें CEC कैंडिडेट्स भी आते हैं। अब IRCC 2024 के लिए टारगेट कर रहा है करीब 1,10,000 PR के इन्विटेशंस फॉर फेडरल हाई स्किल्ड, जिसमें आपके कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज आ जाते हैं, जनरल ड्रॉज आ जाते हैं एंड एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज आ जाते हैं। इसका मतलब ये है करीब 1,10,000 इन्विटेशंस में से करीब 23,650 इन्विटेशंस आते हैं आपके जनरल ड्रॉ एंड CEC कैंडिडेट्स के लिए। ये मैं 2024 स्पेसिफिकली की बात कर रहा हूँ, 2025-26 की बात नहीं कर रहा हूँ। मगर हैरानी की बात यह है कि 23,650 तो हमारा कोटा है, लेकिन ऑलरेडी करीब 25,895 इनविटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं, और अभी हम अपने अगस्त मंथ में हैं और अभी हमारे करीब 5 महीने पड़े हैं 2024 ख़त्म होने में। अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं। टोटल टारगेट तो 1,10,000 ही है, सो फिर ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स जनरल ड्रॉ में ऐड हो रहे हैं, ये एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं? क्या IRCC अब अपने जनरल ड्रॉज के नंबर को बढ़ा रहा है ताकि और CEC कैंडिडेट्स
इसमें अकोमोडेट हो सके, क्योंकि अगर सीएसई ड्रॉस की बात करें तो बहुत ही रिसेंटली पिछले महीने ही इन्होंने सीएसई के ड्रॉ शुरू किए हैं, उससे पहले करीब 2.5-3 साल से कोई सीएसई का ड्रॉ नहीं निकला था। तो इसका मतलब ये है अब सीएसई को अकोमोडेट करने के लिए कहीं जो कैटेगरी बेस्ड नंबर्स हैं वहां से तो नहीं उठाया जा रहा, वहां पे कहीं कटौती तो नहीं हो रही नंबर्स की टू फिल द जनरल ड्रॉ नंबर्स फॉर सीईसी कैंडिडेट्स। क्योंकि मैं जब ये देख रहा था, मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेम कैटेगरी जो है उसमें करीब 25% एलोकेशन है आउट ऑफ 1,10,000, बट अब तक 2024 में, हम अभी अगस्त में बैठे हैं, ओनली 4,500 इन्विटेशन गए हैं स्टेम को। इट मीन्स अभी करीब 20,500 इन्विटेशन और जाने हैं स्टेम को। तो अभी क्या हम ये मानने कि प्रायोरिटीज आईआरसीसी की चेंज हो चुकी हैं और मे बी, जस्ट मे बी, स्पेसिफिकली स्टेम के जो कोटाज हैं क्या वो अब कम किए जाएंगे और उनका नंबर्स अकोमोडेट किया जाएगा जनरल ड्रॉ एंड सीईसी कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, मैं कुछ इसमें आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, बट जनरल जो मैथ्स है, जो दिख रहा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली फॉर स्टेम कैंडिडेट्स एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैंडिडेट्स के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आईआरसीसी अब प्लान कर रहा है एक न्यू परमानेंट रेजिडेंट पाथवेज निकालने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर टीयर 4 एंड टीयर 5 सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जैसे कि हमारे कैशियर्स हो गए या फिर लेबरर्स हो गए। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो टेम्पररी रेजिडेंट का नंबर इतना ज़्यादा शूट अप हो गया है कनाडा में, इसको रिड्यूस किया जाए। और ये नंबर्स तभी रिड्यूस होंगे जब इनको टीयर 4 एंड टीयर 5 कैटेगरी के सेमी स्किल्ड वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो हमारे सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं कनाडा में, उनके लिए अब पीआर की जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है। अब इसके अलावा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं है, स्लोली एंड स्टेडली फ्यूचर में हमें इसके बारे में और पता चलेगा और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा एक पीआर पाथवे है जिसके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, उसके बाद मेरे को इस पीआर पाथवे के बारे में पता चला। अब इस पाथवे में कोई सीआरएस पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी एलएमआईए की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई फ्रेंच की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है कनाडा में, तो उस केस में आपको कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। पाथवे की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपके टीयर कैटेगरी 0 है या टीयर कैटेगरी 5 है, 0 to 5, एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, एवरीबडी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पाथवे। दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट पाथवेज दैट यू कैन अप्लाई। इसके अलावा अगर आप कनाडा से बाहर हैं, यू आर नॉट स्टेइंग इन कनाडा, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दिस इज दैट आपके पास अपनी होम कंट्री में मिनिमम 2 years का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस पाथवे के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम। बट नाम पे मत जाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस है आप तभी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका टीयर कैटेगरी 0 हो या 5 हो, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप मैनेजरियल रोल में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रोल में हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्लीनर हैं, वॉट एवर इज योर प्रोफेशन, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। Now this pathway is meant for those who are employed by health authorities in British Columbia. इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आप British Columbia की कोई भी जो health authorities हैं उसके साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप eligible बन जाते हैं इस program में apply करने के लिए। आपको कहीं specifically अलग से register करने की ज़रूरत नहीं है, आप directly अपनी application BCPNP को भेज के इस program के लिए apply कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम के कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला तो यह है कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ अथॉरिटीज ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के साथ। अब इसमें जो एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, मैं उनके नाम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहला तो आता है हमारा प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज अथॉरिटी, दूसरा फर्स्ट नेशंस हेल्थ अथॉरिटी, थर्ड फ्रेजर हेल्थ, फोर्थ इंटीरियर हेल्थ, फिफ्थ आइलैंड हेल्थ, सिक्स्थ नॉर्दर्न हेल्थ, सेवेंथ वैनकूवर कोस्टल हेल्थ एंड एट्थ प्रोविडेंस हेल्थ केयर। अब जो आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए वो कोई भी टीयर कैटेगरी की होनी चाहिए, आपका ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपका हेल्थ केयर का बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं,
कोई भी टीयर कैटेगरी 0 या 5 में अगर आपके पास जॉब है इन हेल्थ केयर अथॉरिटीज में के साथ, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस का। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है और आप DLI इंस्टीट्यूशन से पास आउट हैं, देन आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मगर आप अगर कनाडा से बाहर हैं, अपनी होम कंट्री में हैं, तो आपका मिनिमम 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तीसरा आया था हमारी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स। देखिए, अगर तो आपको ये हेल्थ अथॉरिटीज़ में जॉब मिलती है अंडर टीयर कैटेगरी 0 या फिर 1, तो उस केस में आपको लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ केस में BSc PNP आपको बोल दे टेस्ट के लिए, बट मेजॉरिटी टाइम में आपको लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो हमारे टीयर कैटेगरी 2, 3, 4, 5 है, उनके लिए जो मिनिमम लैंग्वेज असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है CLB 4, विच इज़ ट्रस्ट मी वेरी ईजी। चौथा हमारा पॉइंट आता है मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स की। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहला आता है आपकी इनकम डिपेंड कर सकती है आपकी लोकेशन के ऊपर कि एग्जैक्टली आप ब्रिटिश कोलंबिया में अथॉरिटी के साथ कहाँ प्लेस हुए हैं। दूसरा आ जाता है आपके डिपेंडेंट्स के ऊपर कि बेसिकली आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारी एनुअल इनकम। अब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं अंडर बोथ एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड ऑप्शन में भी या फिर नॉन एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड ऑप्शन। अब बस फर्क ये है कि एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड ऑप्शन में अगर आपको अप्लाई करना है फॉर दिस प्रोग्राम, देन यू हैव टू मीट द मिनिमम एक्सप्रेस एंट्री के जो क्राइटेरिया है उसको आपको मीट करना पड़ेगा। एंड फॉर नॉन एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड ऑप्शन आप डायरेक्टली BC PNP में अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। वेल गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।